हर घर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत जो बनता है तो उसमें से अल्फाज ये बनते हैं। अच्छा। जैसे भगवान है, भला मोरी रामा है, अच्छा, गुजराती में है, तभी मैं गुजराती में वागरी में इसमें गया हूँ। प्रभु जी नमस्कार, बात कर सकता हूँ मैं आपके साथ? थोड़ी बातचीत करते हैं। ये आपका घर है? बैठा हुई है ऐसे। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, खड़े हो सकते हो थोड़े टाइम? क्या यहीं पे रहते हो? है? यहीं पे रहते हो? हाँ अभी यही रहता हूँ। इनको सिंगर बनना है, इसके लिए आप किसके लिए आए? गाना गाना है आपको? नहीं नहीं नहीं, नहीं गाना। तो ऐसे ही घूमता हूँ देश पूरा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? यालिंगो। यालिंगो? यालिंगू। हाँ। अच्छा, पापा जी का नाम क्या? करना क्या है ये बताओ। घर नहीं जाना है आपको? जाना है, अब काम चालू है, जब मशीन लग रही है, सब कुछ लग रहा है, बैठा हुआ है। कौन सा मशीन? इलेक्ट्रॉनिक। ये बंद कर देना। अरे बंद ही है बस, ये थोड़ी चालू। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सभी लोग भाई भाई, समझे? हम सभी लोग एक ही है। ये कैसे होगा, मैं अलग हूँ। कैसे अलग हो आप? हा? कैसे अलग हो? अलग कैसे हो? मैं गवर्नमेंट लस्टिंग हूँ, मेरा ये प्राइवेट है, पेट्रोल पंप है, जगह है मेरी, वहाँ फ्लैट है, सब है। अच्छा, ये जगह आपकी है? हाँ। अच्छा, वैसे कौन सा लोकेशन है अभी ये? मेरे को क्यों पूछ रहे हो? अपना आपकी जगह तो आपको पता रहता होता ना कि ये जगह का लोकेशन है मेरा। वो तो उनको पूछ लेना, मेरे घर वालों को पूछ लेना, यहाँ नहीं आना। कहाँ पे? काम पे आया हो ऐसा समझ लो ना, इधर डिस्टर्ब करने के। घर वाले सब लोग कहाँ पे? हाँ, घर वाले कहाँ पे? ये सब बंद कराओ तुम। हाँ चलो बंद कर देता हूँ। हाँ बताओ ना, मैं बैठा हूँ यहाँ, इधर बैठा हूँ मैं अब मस्त। हाँ तो मुझे पता है आप बैठे हो, काफी दिनों से नहाए नहीं हो। देखो नाखून वही तो माता जी का चालू है, वो कर रहे हैं सब काम। क्या? चालू है थैले का, ये वो चालू है। क्या कर रहे हो? थैले का काम चालू है, शक्ति का। शक्ति? हाँ। कौन से देवी देवताओं की आराधना करते हो? मैं तो अल्फाज बनाता हूँ, आराधना नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, अल्फाज सिंगरिंग करता हूँ, जैसे कवि राजा थे। एक बार एक सुना के दिखाओ ना मुझे अपने आलाप में। कैसेट है, मोबाइल है, सब है, ये बंद कराओ। इसीलिए तो कह रहा हूँ बंद कराओ, क्योंकि घर वालों को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। डिस्टर्ब देंगे और काम देंगे और क्या। तो घर नहीं जाना है आपको? जाना है, जाना है। बात तो घर वाले को मालूम कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे? हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऊपर, हेलीकॉप्टर आता है वहाँ। अच्छा, स्टेशन उमरा के ऊपर से हेलीकॉप्टर आएगा, उतरेगा वहाँ पे। पर यहाँ कैसे उतरेगा? ये तो यहाँ कॉम्प्लेक्स है। उधर उतर जाएगा कहाँ पे? उधर हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं उतरेगा, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। वहाँ पे हमारा पूरा हेलीपैड का पूरा प्रोग्राम वहाँ पे सेट किया हुआ है, जैसे गेम में कैसे हेलीकॉप्टर उतरता है। यस भी आता है, फिल्म नाम दिया है, फिल्म में भी। हाँ, तो फिल्म में भी आता है, तो एक छोटी सी स्क्रीन में वहाँ पे पूरा सेट किया हुआ रहता है। क्या करना है? वो हेलीकॉप्टर उतारने के लिए तो वो तो वहाँ भी जाते हैं, आते हैं, टैक्सी वाला भी आएगा, कोई भी आएगा लेने आ जाएगा। हाँ तो चलो ना, मैं आया हूँ, टैक्सी लेके आया हूँ, अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, बहुत बड़ी। तुम्हें तो मैंने नहीं बोला। नहीं, ये प्रभु ने बोला ना मुझे। ये कौन है? ये हमारे पंडित महाराज है। अच्छा है, पंडित जी भी। तो बात करो, लो आओ इधर। पंडित जी आता है, बताओ क्या? अरे भाई, आपकी मदद करना चाहते हैं यार। ये प्रभु बाहर से आए, आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको सही जगह से देखो, मैंने तो बोल के रखा है सब कुछ आ जाएगा मेरा, यही हाथ तो भेज दिया मुझे। हाँ, अच्छा कपड़ा मिलेगा, खाना दे, मुझे भेजा है आपने, बोला था ना कि किसी को भेजो, भगवान को बोला था ना आपने। हाँ। तो मुझे भेजा आपकी रक्षा के लिए। हाँ, तुम भगवान, मैं भगवान ने, आप भगवान। ये सब काम हम करवाते हैं। अरे देखो यहाँ एक खंडर जैसा एरिया है, मुझे जरा अपना घर दिखाओ। इधर आओ, इधर उधर भी सामने भी, इधर आओ। फ्लैट बन रहा है दोस्तों, ये हमारे प्रभु का घर देखिए आप। यहाँ पे वो रहते हैं पिछले 2 साल से। जो भी ये गोरदो रोड में जितना भी कचरा रोड पे रहता है, वो सभी कचरा उठा के यहाँ पे। तो यहाँ पे सोते हो? नहीं, अभी आया हूँ फिलहाल, यहाँ सूरत में, मुंबई से ट्रेनों में से आ रहा हूँ, काम चालू है। कितना साल से यहाँ पे रह रहे हो? साल तो मैं यहाँ तो 100 बरस 200 बरस से आता हूँ। 200 बरस से आ रहे हो? हाँ। कोई मतलब पर्टिकुलर कोई आत्मा है या डायरेक्ट ऐसे घुस जाते?
बौड़ी बनाते हैं, बौड़ी शक्तिमान है ऐसे ऐसा रहता है ना, तो बनाते हैं शक्तियों में। अच्छा, और फिर कहीं बाहर जाने का घूमने, तो एक काम करो ना, देखो भगवान को आपने बोला था कि मुझे कोई ले जाए, तो भगवान ने मेरे को भेजा यहाँ पे आपको लेने के लिए। अभी तो जरा नहीं, गाड़ी लेके आया हूँ बहुत बड़ी, टैक्सी तो कहाँ जाना है? बस उधर ही हेलीकॉप्टर जहाँ पे उतरेगा ना वहीं पे जा रहे हैं, काम है। हाँ काम ही, तो फिर चलो तो, काम नहीं है तो फिर मत लेना। तो फिर यार ये थोड़े देखो कितने बड़े बड़े तो बाल हो गए, कलर वलर कर। हाँ वो तो हो जाएगा, चलो पहन लीजिए। दोस्तों ये यहाँ पे पिछले 2 साल से यहीं पे रहते हैं और काफ़ी बुरी हालात है, बट चले कोई बात नहीं, थोड़ी हालात को चेंज करते हैं। आओ चप्पल पहन लो अपने, वहाँ पे है गाड़ी हमारी, इधर आ जाओ। क्या करना है? अरे इधर बैठना है। नहीं नहीं अभी मैं तो रोड पे घूमूंगा। अभी तो बोला आपने तो टैक्सी लेकर आए हो तो मुझे बिठा दो, झूठ मत नहीं, बोलो। नहीं नहीं टैक्सी वाला जो मैं बोल के रख दिया है। हाँ तो कोई मुझे ही भेजा है, मैं तो पहले से बोल के रख दिया, मुझे ही भेजा है। आ रहा हूं सुगद में। हाँ तो मुझे ही भेजा है, आपने अभी बोला ना मैं टैक्सी लेकर आया तो बैठ जाता हूँ काम के लिए। काम करने नहीं जाना है? सिंगरिंग करने जाता हूँ। सिंगर करने जाना है? डांसरों में आज सिनेमा जाते हैं। सिंगर बनना है ना आपको? हाँ चलो सिंगर बनना है। बराबर ना? हाँ तो चलो आ जाओ हम ले जाते हैं आपको। कहाँ? अरे सिंगर बनाने के लिए। ऐसी थोड़ी बनी। अरे आप मेरी बात अल्फाज बनाता हूँ, मेरी बात लोग सुनो। सुनते हैं तुम भी एक तो सुनाओ तब तो बोल रहे हो। एक सॉन्ग सुनाओ। याद तेरी आती है मुझको बड़ा सत, एक बार सुना दो। सही सही ये गाना तुमने गाया था या आए थे तुम? राइट का। राइट ना राइट मैंने गाया था ना ये गाना, तो फिर यार एक बार दो, एक बार आप गाते हो सुनाओ। क्या सुना? ये याद वाला। ये नहीं है गाना जो है अलग अलग जिससे होते हैं। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत जो बनता है तो उसमें से अल्फाज ये बनते हैं। अच्छा। जैसे भगवान है, भला मोरी रामा है। अच्छा। गुजराती में है तो अभी मैं गुजराती में वागरी में इसमें गया हूँ। भला मोरी रामा, हाँ, ये सब तारी रामा। तो सारे बोलते हैं कि अच्छा। इसमें से पास होके जाऊंगा तब बोलेगा नहीं। अच्छा, नहीं अच्छा। तो चलो अब हमारा टैक्सी लेट हो जाएगा, आप चलिए आप जा सकते हो। अरे मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ, भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे से। वहाँ नहीं जाना है? नहीं नहीं, 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 नहीं। देखो ये मैंने नया लिया है, देखो ये आपके लिए मैंने पेटी ली है, हारमोनियम, वो जो हारमोनियम होता है ना वो मैंने लिया हुआ है। चलो अरे वहाँ पे ऑफिस पे पड़ा है, चलो आज मुझे नहीं आना है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ये प्रभु सब मुझे जानते हैं, आप पैसे तो मैं भी जानता हूँ। हाँ चलो समझ गया, गाड़ी का दरवाजा खुला है, चलो चलो कहाँ जाना? बैठो तो मैं बताऊँ ना, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट बता दूंगा, बैठ जाओ बाहर बैठा हो, रुको। अरे हाँ बैठ जाओ, क्या बात है, धन्यवाद। भगवान काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है और बहुत बुरी हालात है और उनको सिंगर बनना है, सिंगर बनने के लिए सूरत आए थे, हेलीकॉप्टर से मुझको वापस भेजना है। चलो कोशिश करते थोड़ी। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर, मिलिए। मराठी छे चला चला। काय नाव दादा तुमचं? राहुल आहे कधी छान बोलते बहुत नाम है। चला चला मी पण मराठी आहे दादा। कोणते गाव? माझं गाव मुंबई दादा। मुंबई? हां मुंबई मी कोणसे? हां यहां बैठो, कोई बात नहीं, पानी लेके आओ। पानी पीना है आपको दादा? पानी तो पिए छस ना। मैं पूरी ले लेता हूं। हां हां एक महीने में कटिंग करवा देता हूँ। एक महीने पर अभी सरकार में गवर्नमेंट में काम आया है, सरकार जो गवर्नमेंट होता है जो बाल बड़े करने का काम। मनमोहन सिंह है, लालू यादव जी है, मेरे पापा है, मेरे गॉड फादर है, अखिलेश जी से वो लोग हैं। कौन? लालू यादव जी। हाँ तो उन्होंने भेजा है। वो कौन है? अंकल है मेरे। आपके अंकल है? अच्छा। और मनमोहन सिंह जी? वो भी अंकल ही है मेरे। आपके अंकल है? और राहुल गांधी जी? वो भी अंकल ही है। मोदी जी को पहचानते हो? वो कौन है? वो कौन है मोदी जी? वो तो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। मोदी जी वैसे तो सबके फ्रेंड ही है। बाल काट देता हूँ छोटे? नहीं बाल नहीं रखना, ये शक्ति का है अभी। हाँ शक्ति का ही है, बहन ने बोला इसलिए थोड़ा थोड़ा काट देता हूँ। थोड़ा 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 मैं बोल रही भैया, थोड़ा। अब मुंबई में कहाँ पे रहते थे? मुंबई में कहाँ पे रहते हो? मुंबई में? हाँ मुंबई में सीआर पाटिल सबके साथ गया था। अच्छा। हाँ संसद अपना अंबानगर वाला जो है अभी आया है उसके साथ से फिर
मुंबई में गए थे। चलो अब थोड़ा सा स्नान कर ले। सही कह रहे हो, कपड़ा तुमने लाया यहाँ? कपड़ा सब मिलेगा आपको। चप्पल है ना? ये बूट यहाँ पे निकाल दो। बूट निकाल दो यहाँ पे। हर घर घर में एक ही नाम जय श्री राम। तो सब होना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं आपको ताल देता हूँ। हर घर में बस एक ही नाम। यस यस कंटिन्यू, ढोलक बजाओ। हर घर में बस एक ही नाम। हर घर घर में एक ही नाम जय श्री राम। क्या बात। हर घर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। दिख देना देना तक देना देना तक देना तक देना। जोर से जोर एक एक जोर से गाओ ना यार, जोर से। आपको मैं सिंगर बनाना चाहता हूँ, एक बार सिंगर बनाना चाहता हूँ आपको मैं। अरे एक बार मेरे भगवान के खाते एक बार मेरे भगवान। मैंने आपको यार मंत्र मुक्त हो गया मैं आपकी आवाज सुन के। मैं नहा लूँ आप बाद में? पक्का पक्का पक्का। साउंड भी लग रहा है वही जानी सर। अरे साउंड वाउंड सब लगाते हैं दोस्तों। पैंट देखिए, जो काफ़ी टाइम से मतलब हम ऐसे ही पहन के वो घूमते थे। ऐसे छोटी छोटी बातों को इसलिए हम बताते हैं कि आपको भी पता चले कि हमारे पास जो चीज़ है, हम अच्छी घर पे रहते, अच्छी तरह से खाना खा लेते, अच्छी तरह से कपड़े पहनते, तो हम उनकी अहमियत को नहीं समझ सकते। और ये छोटी छोटी अहमियत ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते तभी हमें पता चलता है कि पैंट की कीमत कितनी है, पैंट को सही तरह से बांधने की जो बेल्ट होता है उनकी कीमत कितनी है। छोटी छोटी बातों की कदर कीजिए। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। दोस्तों ये डायरी हमारे भगवान के पास से मिली है और बहुत ही अच्छी इंग्लिश में हनुमान चालीसा लिखी हुई है। कंचन बरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, योर स्किन द लाइक द गॉड, योर लुक्स ब्यूटीफुल विदाउट द क्यूरी हेयर एंड द इयर रिंग्स। ये सब कुछ मतलब ये पूरी चौपाई इंग्लिश में वो पढ़ते थे, सुनते थे और सोचिए एक बहुत बड़े सिंगर की आज हालत क्या हो चुकी है। चलिए आज प्रभु सेवा आश्रम में ऐसे व्यक्ति की कुछ मदद करने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आए, वही सबसे बड़ी बात है। और बस आप भी यही हम कहना चाहते हैं कि अपने आसपास लोगों की बातों को समझिए, उसके पास जाइए और जो भी कुछ हो सकता है मदद करने की कोशिश कीजिए। चारों दिशा में है तेरो नाम हेरा। तू अंतर्यामी कड़वी रहती है उसके जो चार बॉट रहते हैं जैसे चार है। तू अंतर्यामी सबका सुन, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, ऐसा होता है। तो चारों दिशा में है तेरा नाम, हे राम हे राम हे राम। तो चार मुख्य होता है श्री राम। और अभी वाला जो आपने अंदर श्री राम की शक्ति चार मुख्य, हर घर में एक ही नाम, तो उसी में भी जय 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 और श्री राम चार ही आ रहा है ना। तो श्री राम का चार मुखी का है भैया, वो सुना दो ना पाठ, राजपाठ उसका अंदर का। बहन को एक बार जय श्री राम वाला, जय श्री राम हे राम वाला। नहीं नहीं जय श्री राम, जय जय एक ही नाम, एक ही नाम और एक ही नारा गूंजेगा। हाँ, भारत भारत का है वो। हाँ, हिंदुस्तान का नहीं। हाँ, है इंडिया का, भारत का। हर बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हाँ, जैसे राम रोटी जैसे श्री राम के पास संख्या पब्लिक अजलशीन और सब है। हाँ, तो उसके पास भोजन खाना पीना कम करता ये गाना गाना बराबर। हाँ, जय श्री राम इतना ही बोलना। हाँ,
हर घर घर में एक ही नाम। तुम मिलके बोलो जय श्री राम, एक साथ आना चाहिए, एक साथ बोलो, फिर मैं जब करूंगा तो तुम वंस मोर। हां वंस मोर। हर घर घर में एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय 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 श्री राम बोलेगा। मतलब चार बार लेना पड़ता है, जय 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 श्री राम बोलेगा, चार मुखी है श्री राम। भाई ये संगीत की जो ये हनुमान जी है, हनुमान जैसे हनुमान को नाम दिया है, बजरंग बली को नाम दिया है, जलाराम बापू को नाम दिया है, जैसे हमारी जलाराम बापू है, तब से हम जलाराम बापू जान रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चले दोस्तों कोई बात नहीं, आप भी आइए प्रभु सेवा आश्रम, यहाँ पे काफ़ी व्यक्तियों को बदलाव लाने के लिए हमें काफ़ी केसेस को यहाँ पे रखा है, बस छोटी सी पहल है, आप भी इस बातों को समझिए और अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, फरी थी मलिशो एक नवा एपिसोड साथ है। जय हिंद जय भारत। चलिए भगवान मैं निकलता हूँ, ठीक है।